हाय गाइस, मैं हूं दिवेश और आज हम बात करेंगे KTM ड्यूक 125 के ऊपर। 125 सीसी की जो KTM ड्यूक है वो इंडिया में कब लॉन्च होगी और उसी के साथ उसकी प्राइस क्या होगी, उसके फीचर्स क्या होंगे और अभी तक इंडिया में क्यों नहीं आई। उससे बड़ी बाइक आ गई पर जो छोटी बाइक है वो क्यों नहीं आई, उसके रीजन्स क्या हैं, उन सब के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि बहुत लोग जो है अभी भी जो है मेरे से ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर 125 कब आएगी या आएगी भी या नहीं आएगी, हम वेट कर रहे हैं उसके लिए। हम अभी तक वेट कर रहे हैं, जब वो आएगी जब भी हम उस बाइक को खरीदेंगे, उसकी वजह से हम और कोई बाइक नहीं खरीद रहे हैं। तो गाइस, उसकी लॉन्च डेट, उसकी प्राइस, उसके फीचर्स कब आएगी या जो कुछ भी है सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि KTM ड्यूक 125 और 390 में फ़र्क क्या है और इतना लोग अट्रैक्ट क्यों है 125 की तरफ। सबसे पहला रीजन है कि आपको 125 सीसी की जो बाइक है, ड्यूक 125 जो है, उसका जो लुक है वो सेम टू सेम ड्यूक 390 जैसा है। आपको जो ड्यूक 390 इंडिया के अंदर मिलती है वही सेम लुक आपको मिलता है 125 सीसी की ड्यूक के अंदर। वही एलईडी लाइट आपको उसके अंदर मिलती है। उसका जो कंसोल है फ्रंट का, जो आपको इसमें एलसीडी पैनल मिलता है आपको ड्यूक 390 में, आपने देखा ही होगा, वो भी आपको उसके अंदर मिलता है। मतलब कि लुक्स वाइज दोनों गाड़ियों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम लगती हैं, फीचर्स भी सेम है, ABS भी आता है, यहाँ तक कि उसमें 125 सीसी की बाइक में ABS भी आता है। बस एक चीज़ नहीं आती है, वो है स्लीपर क्लच। तो अब इतनी छोटी गाड़ी तो उस हिसाब से उन्होंने नहीं दिया जो भी था, पर बाकी सब कुछ चीज़ें सेम है उसमें। थोड़ा बहुत टायर का फ़र्क है क्योंकि इंजन छोटा है। अब इंजन छोटा है तो भाई PS पावर भी कम होगी, पावर है 14 की और ड्यूक 390 है उसके अंदर आपको जो है 44 PS की पावर मिलती है। और ड्यूक 390 जो है मैंने अभी कुछ दिनों पहले खरीदी थी तो उसकी वीडियो मैंने बनाई है, कुछ छोटी मोटी वीडियोस उसके अंदर के मैंने कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करी है, तो उसके आप वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जो है उस वीडियोस को भी देख सकते हैं, कुछ चीज़ें मैंने उसके अंदर लगाई थी। तो वो तो चीज़ें चलो छोड़ो, अभी हम बात करने वाले 125 सीसी के ऊपर। तो सेम टू सेम चीज़ें सेम लगती हैं, कुछ चीज़ें नहीं है, स्लीपर क्लच नहीं है, टायर थोड़ा सा जो रियर टायर है वो थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब कि इतना वाइड नहीं होगा वो। उसी के साथ एवरेज बढ़ जाएगा गाड़ी का, क्योंकि भाई 125 सीसी की गाड़ी हो गई और वो है 390 सीसी की, 390 नहीं 377 सीसी की आती है, उसको बोलते हैं 390। पर फ़र्क तो है, इंजन में बहुत फ़र्क है, वहाँ पावर मिल रही है आपको, यहाँ एवरेज मिल रहा है। पर वो इंडिया में अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुई, ये तो रीजंस थे सारे कि उनकी तरफ हम अट्रैक्ट क्यों हैं। सबसे पहली बात लुक्स, उसके बाद एवरेज, ये सब चीज़ें। पर कुछ चीज़ें उसमें बेकार भी हैं। देखो, आपको फिर पावर भी तो नहीं मिलेगी, आपको 14 की पावर मिलती है, 14 PS की पावर आपको जो है पल्सर में भी मिल जाती है यार, पल्सर 150 लोगे उसमें भी आपको इतनी मिल जाती है लगभग। तो वही सब बातें हैं, आपको देखना है। पर बहुत लोगों को पावर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग जो है लुक्स की तरफ जाते हैं और अपनी अपनी पसंद है। तो लुक्स के हिसाब से वो गाड़ी बिल्कुल सेम टू सेम 390 जैसी है और वही वजह है सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर के लोग उसके बारे में इतना पूछते हैं। और उसके बाद अगली बात कि वो इंडिया में कब आएगी और वो जो है बांग्लादेश में जो है लॉन्च हो चुकी है तो इंडिया में अभी तक क्यों नहीं आई। बेसिकली देखो दोस्तों, बांग्लादेश में क्या होता है कि वहाँ पे एक लिमिट है, वहाँ पे आप 165 सीसी से ऊपर की बाइक नहीं खरीद सकते। हाँ, ऐसा मैंने अभी मुझे नहीं पता ये फैक्ट है, पर मैंने इतना जितना उसके बारे में पढ़ा है मुझे इतना ही पता है, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि 165 सीसी से ऊपर की आप बाइक नहीं खरीद सकते। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो नीचे आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यही है, क्योंकि मैंने रिसर्च वगैरह थोड़ी सी की थी, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा था, वहाँ के कुछ बंदे हैं उनके मैंने कमेंट्स भी पढ़े दूसरों बंदों की वीडियोस पे जाके, तो उन्होंने भी यही बताया कि हाँ वहाँ पे इससे महंगी बाइक आप नहीं खरीद सकते। तो उसी वजह से KTM ड्यूक 390 वहाँ पे आपको नहीं मिलती। वहाँ पे कोई भी बड़ी बाइक मैंने आज तक सुनी नहीं कि वहाँ लॉन्च हुई हो, वहाँ पे छोटी बाइकें सबसे पहले लॉन्च हो जाती हैं। जैसे कि वहाँ पे जो छोटी बाइक हैं वो एक तरह से उनके लिए एक बहुत बड़ी सुपर बाइक जैसी हैं, जैसे कि R15 का वर्जन 3 यहाँ पे अब लॉन्च हुआ है, बांग्लादेश में बहुत पहले लॉन्च हो गया था, उसका रीजन वही है। ऐसे ही KTM 125 सीसी वो आपको वहाँ पे मिलती है, इंडिया में नहीं मिलती है, क्योंकि भाई वो उससे ऊपर खरीद ही नहीं सकते। वहाँ पे 150 सीसी तक की बाइक ही आपको मिलेंगी, उससे ऊपर गाड़ियाँ नहीं मिलती। और उसी वजह से ये सब जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पे जल्दी लॉन्च हो जाती हैं और लोग वहाँ पे खरीद पाते हैं। पर भाई देखो, वहाँ पे जो 125 सीसी की जो ड्यूक है उसकी प्राइस पता है कितनी है, 6.5 लाख रुपये, बांग्लादेश के जो रुपये हैं उसके हिसाब से 6.5 लाख रुपये, इंडिया के हिसाब से उसे कन्वर्ट करें तो लगभग 4.5 लाख के करीब बैठते हैं। मतलब कि 4.5 लाख में आपको मिलती है ड्यूक 125 और यहाँ पे आपको ड्यूक 390 कितने की मिलती है, 2.5 लाख के करीब, 270 275 के करीब मिल जाती है, मैंने जो खरीदी थी 270 की खरीदी थी।
तो सोचो यहाँ आपको 390 मिल रही है 270 में, और इंडिया के 4.5 लाख के हिसाब से आप वहाँ जाके खरीदेंगे तो आपको से मिलेगी 125 सीसी की ड्यूक 125। अब उसे चलो वो ऑस्ट्रेलिया से बन के वहाँ पे आ रही है, चलो इंडिया में बन रही है इसलिए सस्ती है, हमें पता है इंडिया में भी हम उसको अगर बनाते हैं तो उसके अंदर आपको ABS भी मिलता है, उसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। तो इंडिया में अगर वो प्राइस जो है उस प्राइस में हम इसको लॉन्च करते हैं, मतलब इंडिया के हिसाब से लगाया जाए, यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है उसके बाद लगाया जाए, तो लगभग जो है 1.5 लाख के करीब तक आएगी ये गाड़ी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि भाई उसके अंदर आपको ABS मिलता है, उसके अंदर आपको LED लाइट्स मिलते हैं, जो का जो सामने का जो पैनल है वो आपको LCD पैनल मिलता है वहाँ पे, जो कि ये सब चीज़ें आपको ड्यूक 200 के अंदर भी नहीं मिलती हैं। तो उससे ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं आपको 125 सीसी की बाइक में, तो सोचो अगर आपको ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं तो उसकी प्राइस 1.5 लाख से कम तो हो ही नहीं सकती। अब 1.5 लाख में वो बाइक आएगी, अब ड्यूक 200 भी 1.5 लाख के करीब में आती है, थोड़े से पैसे और लगा के RC भी आ जाती है, तो कंपटीशन कुछ जमा नहीं। अब इंडिया वालों की थोड़ी सी मेंटेलिटी कैसी है, मतलब हम लोग कैसे सोचते हैं कि यार 1.5 लाख रुपये देंगे उसके बाद भी 125 सीसी की बाइक लेंगे जिसमें पावर ही नहीं है, तो हम लोग उसको नहीं खरीदेंगे, हम लोग खरीदेंगे या तो ड्यूक 200 को खरीदेंगे या फिर RC की तरफ जाएंगे। सीधी बात है यार, 1.5 लाख रुपये दे रहे हैं और उसके बाद 125 सीसी की बाइक खरीदना, पर बहुत लोग लुक्स की वजह से उसको खरीद सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं बिकेगी, वो बिकेगी क्योंकि उसके लुक्स 390 वाले हैं, फीचर्स 390 वाले हैं, उस वजह से वो थोड़ी बहुत बिकेगी, पर वो इतनी नहीं बिक पाएगी जितनी कि KTM चाहता है कि उसकी कोई बाइक बिके, जैसे कि ड्यूक 200 बिकती है, 390 बिकती है, उतनी सेल नहीं हो पाएगी उसकी। 125 सीसी की बाइक 1.5 लाख में आप खरीदना पसंद करोगे, आप बताओ? 1.5 लाख में कोई भी नहीं खरीदेगा मेरे हिसाब से, शायद 100 में से 10% लोग ऐसे होंगे जो उसको खरीदेंगे, एक मेरे मानना है, आप क्या मानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आती है वो 1.5 लाख में तो क्या आप उसको खरीदेंगे? भाई खरीद भी सकते हो, अगर आपको उसका लुक्स अच्छा लगता है तो आप खरीद सकते हो, आपको पावर नहीं चाहिए, आपको कोई मतलब ही नहीं है PS पावर वगैरह से, कुछ मतलब नहीं है, आपको मतलब है बस देखने से, तो देखने में अगर आपको अच्छी लगती है तो आप खरीद भी सकते हो, अपनी अपनी पसंद है। पर KTM का एक भाई सीसी बात है, KTM 90% लोगों की तरफ सोचेगा, KTM नहीं सोचेगा कि 10% लोग, भाई KTM एक हर एक कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के हिसाब से सोचती है कि उसका बिजनेस बढ़े। अब KTM ये सोच रहा है कि भाई 90% कम से कम लोग उसको खरीदें, ना कि 10% की वजह से नहीं लाएगी वो बाइक को, वो लाएगी कम से कम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदें, तो उन्होंने उसी वजह से उस बाइक को यहाँ पर लॉन्च नहीं किया। हाँ, उसमें से कुछ फीचर्स हटा के आने वाले टाइम में कभी 1-2 साल 3 साल में उसमें से कुछ फीचर्स हटा देंगे, या हो सकता है ड्यूक 200 की प्राइस बढ़ जाएगी जब तक लगभग 270 के वो 170 के करीब मिले आपको, तो उस टाइम पे हो सकता है कि इसमें से कुछ फीचर्स हटा के आपको 135-140 के बीच में इस बाइक को कभी लॉन्च कर दिया जाए, वो थोड़ा फिर सेगमेंट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मतलब कि समझिए कि 135 फिर 170 और उसके बाद फिर 2 और फिर 2, 2.80 और 3 लाख तक के उसकी जो है बाइक रहेंगी, तो एक सेगमेंट धीरे धीरे रहेगा। पर अगर अभी लॉन्च करती है तो 1.5 लाख में आपको 200 भी मिलती है और 1.5 लाख में ये हो जाएगी, तो मज़ा नहीं आ पाएगा और लोग उल्टा कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी लूँ, और उसकी सेल पर भी असर पड़ेगा क्योंकि दोनों बाइक तो उसकी हैं, अब 200 उसकी अच्छी खासी बिक रही है तो वो अपनी सेल में क्यों असर डालेगा भाई। और बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश में इसलिए लॉन्च हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे भाई मैंने आपको बताया कि उससे ऊपर की बाइक लॉन्च नहीं हो सकती, उसी वजह से आपको बांग्लादेश में वो बाइक्स मिल जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी बहुत जगहों पे ऐसे देशों में ऐसे रूल हैं कि जो 18 साल के जो बच्चे हैं या फिर शायद 20 साल तक का जो बच्चे हैं वो जो है 150 सीसी या 200 सीसी से ऊपर की बाइक नहीं चला सकते, तो वहाँ पे जो है कुछ ऐसे रूल्स वगैरह हैं कुछ देशों में, तो उस वजह से वहाँ पे वो गाड़ियाँ लॉन्च हो जाती हैं इतनी छोटी गाड़ियाँ 125 सीसी की, जिससे जो जिनकी एज अभी कम है तो वो उस बाइक को चलाएं क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं है, क्योंकि वो आते एकदम फिर भगाएंगे उसको आगे पीछे से उठाएंगे, वो सब चीज़ें। पर इंडिया में ऐसा कोई रूल नहीं है और उसी वजह से इंडिया में चीज़ें लॉन्च हो जाती हैं, और इंडिया के मार्केट को समझते हुए KTM ने ये निर्णय लिया कि वो जो है यहाँ पे 125 को लॉन्च नहीं करेगा, और उसकी प्राइस मैंने बताई कि अगर आती भी है तो इस प्राइस में आएगी तो आप शायद खरीदोगे भी नहीं, तो इसीलिए वो आने वाले टाइम में अभी नहीं लगता कि मुझे 2-3 साल तक ये जो बाइक है वो इंडिया में आएगी, उसी के साथ आएगी तो 1.5 लाख से कम तो होगी नहीं, सीधी बात है, 2 साल तक तो आएगी नहीं, उसके बाद ही आएगी और उसमें भी 1.5 लाख के करीब उसकी प्राइस होगी, और 125 सीसी की बाइक जिसकी 14 PS की पावर है कौन खरीदेगा, कमेंट में जरूर बताना मुझे, एक बार सुनना चाहता हूँ मैं। चलो गाइस फिर अभी के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो गाड़ी है अभी इंडिया में नहीं आने वाली, अगर आप वेट कर रहे थे, बहुत लोग जो है वेट कर रहे थे कि हम जो है खरीदेंगे कोई बाइक खरीदना चाहते थे पर वो वेट कर रहे थे कि नहीं एक बार KTM की जो 125 है उसको आ जाने दो उसके बाद खरीदेंगे, क्या पता वो अच्छे हो और हम उसको खरीद लें, तो वेट मत करो, अभी 1-2 साल तक कोई भी ऐसी बाइक नहीं आने वाली है 125 सीसी की KTM की तरफ से, आप जाइए जो बाइक खरीदना चाहते हैं, आप RN5 की तरफ जा सकते हैं, RN5 एक अच्छी बाइक है,
155 सीसी का इंजन दिया है इस बार उसमें, तो आप उसको देख सकते हैं, अच्छी बाइक है उसकी तरफ जा सकते हैं। मटेरियल वगैरह भी अच्छा है, उसके अंदर आपको स्लीपर क्लच भी मिलता है, LED लाइट्स वगैरह भी मिल जाती हैं, उस बाइक को खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा भी आप चाहें 200 खरीद सकते हैं आप। तो दोस्तों अभी इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम की ID आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसी के साथ यहाँ पे मैं लिख दूंगा, दिव्या सिंह ऑफिशियल के नाम से मेरी जो है इंस्टा की ID है, तो आप जाके वहाँ पे फॉलो कीजिए मुझे, वहाँ पे भी आप मुझसे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं, और उसी के साथ फेसबुक पे भी जाके आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय।